आपकी जिंदगी में प्यार का एहसास घोलती है आरजे धड़कन जिंदगी खूबसूरत शो लेकर हर शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे और हर शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे तक। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आरजे धड़कन के साथ। रंग बरसे भीग चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीग चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीग चुनर वाली रंग बरसे। आप सोच रहे होंगे कि ये अभी से शुरू होगी, बट मैं अभी से शुरू नहीं हो रही है। मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि जब कोई मुझे गुलाल लगाएगा और पेंट लगाएगा तो मैं जो किस तरह से घर के किस कोने में जाके छुपना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब लोग मुझे बिल्कुल गंदा कर देते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इनफैक्ट मेरे पास हमेशा एक खूबसूरत सा हैंकी होता है जो खूबसूरत सा स्टार्टिंग में होता है, लेकिन कलर लगने के बाद पोंछने के बाद वो इतना रद्दी हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि वो मेरा प्यारा वाला रुमाल है। जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर आपके रेडियो की मधुबाला धड़कने एंट्री मारी है और करेक्ट वाला था यहाँ पे साथ में। आपकी शाम को और भी शानदार बनाने के लिए हर शुक्रवार जिंदगी खूबसूरत शो लेकर मैं यहाँ पे आती हूँ। ढेर सारी कहानियाँ भी होती है, जिस तरह ये जो कहानियाँ हैं मेरे शो को और भी खूबसूरत बनाती है, बिल्कुल वैसे ये जो कलर्स होते हैं ये हमारे त्योहार को और भी खूबसूरत बनाते हैं। और 2 दिन के बाद जैसे कि होली का फेस्टिवल है, ढेर सारी खुशियों के साथ ढेर सारी गुजिया भी आपके घर पर बन रही होगी। बिल्कुल मैं भी इंतजार करूंगी कब आप मुझे बुलाएंगे खाने के लिए। तो 2 दिन का इंतजार कर लेती हूँ, 2 दिन के बाद मैं जरूर आपके घर पर पहुंचने वाली हूँ। चलिए जिंदगी खूबसूरत शो स्टार्ट हो चुका है और आज क्या खूबसूरत सी कहानी है मैं थोड़ी देर से आपके लिए लेकर आती हूँ। पर जैसे कि हर साल 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो वुमेन्स डे से ही रिलेटेड कुछ कहानियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। पर उससे पहले ये खूबसूरत सा गाना खूबसूरत बंदी की तरफ से। सानू कोई डर ना कि समझेगा समाना वो तू भी सिकमली मैं भी सकमला इश्के दरोग सयाना क्या तुझे इतनी सी भी खबर तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। जितनी हंसी है मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। Yes.
खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझसे होता है ना ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। नहीं था पता के तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0226683837। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आर वी सरगन के साथ। जिंदगी खूबसूरत है शो लेकर फिर से आपकी रेडियो की मधुबाला धड़कनी एंट्री मार ली है। और धड़कनों की बात तो हमेशा यहाँ पर होती है, जैसे कि हर साल 8 मार्च हम वुमेन्स के नाम होता है। वुमेन्स में बहुत सारे आकर चले जाते हैं, बट कुछ चीजें, कुछ धारणाएं और कुछ बातें अभी भी बदलनी बहुत जरूरी है। चलिए वुमेन्स डे स्पेशल शो में कुछ ऐसी ही कहानियां मैं लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं पुरुषों को समझना बहुत जरूरी है। रेडियो उड़ान की स्क्रीन पर पहली कहानी धड़कन की जुबानी। साक्षी को आज बहुत दिनों के बाद फुर्सत मिली थी। सोचा क्यों ना आज उन लोगों को फोन कर लिया जाए जो इतने दिनों से टल रहे थे। कुछ जरूरी फोन करने के बाद अभिन्न सहेली समिधा की याद आई। उसने समिधा को फोन लगाया। हेलो समिधा, कैसी हो, क्या हाल चाल है? उधर से समिधा का जवाब आया, मैं ठीक हूँ। अरे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। अरे जल्दी सुनाओ ना, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, पार्टी तो होनी चाहिए। समिधा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो अगर तुम फ्री हो तो आज मेरे घर आ जाओ। अरे ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। ये कहकर साक्षी ने फोन रख दिया। समिधा ने साक्षी का दिल खोलकर स्वागत किया, पर साक्षी को समिधा बुझी बुझी सी लगी। साक्षी ने पूछा कि सभी लोग कहाँ गए, बच्चे तो बर्थडे पार्टी पे गए हैं और माँ जी ननद के यहाँ गई है। तब साक्षी ने पूछा, और भाई साहब कहाँ हैं? वे नाराज होकर बाहर गए हैं। सविदा ने कहा, क्यों, वो खुश नहीं है तुम्हारी तरक्की से? क्या रियलिटी में उसका हस्बैंड उसके प्रमोशन से खुश नहीं था? ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद बने रही जिंदगी खूबसूरत के शो पर मेरी यारे आरजे धड़कन के साथ। कसूर है अमां पैदा
Tired of studying? Good news for you! IIT Kharagpur is back again with its biggest departmental fest, Composite 2017, from 10th March to 12th March. With a variety of events, detective case studies, poster and paper presentation, data analytics, nerve-breaking quizzes and much more. You can even win prizes up to 2.5 lakhs. So what are you waiting for? To register yourself, please visit www.composite.in or you can even visit our Facebook page, that is www.facebook.com/composite.iitkgp. Radio Partners, Radio Run, a flight of life. आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है और रेस धड़कन के साथ रेडियो उड़ान पर शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है आपके रेडियो की मधुबाला धड़कन के साथ और यहाँ पर संविदा की कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साक्षी संविदा के घर जाती है, वो उसे पार्टी देती है। तब संविदा ने ये कहा कि हम दोनों ने एक साथ ही प्रमोशन का फॉर्म भरा था, मेरा तो प्रमोशन हो गया पर इनका नहीं। इस बात को लेकर घर में सभी के मन में रोष है, सब चाहते हैं कि मैं प्रमोशन स्वीकार न करूं क्योंकि इससे मेरा पद और पगार काफी ज्यादा हो जाएगी और ये उन्हें मंजूर नहीं। दुखी होकर संविदा ने कहा, देखो पत्नी की प्रतिष्ठा पति से ज्यादा हो तो ये किसी भी पति या उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। साक्षी के ऐसा कहने पर संविदा ने कहा, तुम्हारी बात सही है, आज भी महिलाओं पर कितने बंधन है। पत्नी पति से आगे बढ़े, तरक्की करे तो पति का ईगो हट होता है, पर यदि पति आगे बढ़े तो पत्नी बहुत खुश होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब साक्षी के पास नहीं था। आज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और अब वुमेन्स डे की बात करें तो फेसबुक व्हाट्सएप पर इतने ज्यादा स्टेटस हमें देखने को मिलते हैं कि वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें करते हैं। इतनी चीजें करने के बाद, शो ऑफ करने के बाद और इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो फिर आपका वुमेन्स डे बनाने का तो कोई मतलब नहीं हो। तो सोचिए, और आपके फैमिली मेंबर्स में अगर कोई वुमेन है और वो आगे बढ़ता है तो उसे और आगे बढ़ाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो उड़ान एक और कहानी थोड़ी देर में जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। स्टे ट्यून्ड। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। एक साथ है, इतनी सी बात है, वो पेड़ वो आंगन दिखाना है उसे। कहता है राज मन मुझे, घर याद आता है मुझे। एक हिस्सा में मेरा भी था, फिर वही रहना है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। सहमी चौखट पे खड़े मेरा मन ये कहे, प्यार करना
से फिर पाना है। कितनी दोगे सजा अब तो दे दो दुआ, इंतजार अब है मुझे, घर याद आता है मुझे, ओ घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे, ओ घर याद आता है मुझे। Tired of studying? Good news for you! IIT Kharagpur is back again with its biggest departmental fest, Composite 2017, from 10th March to 12th March. With a variety of events, detective case studies, poster and paper presentation, data analytics, nerve-breaking quizzes and much more. You can even win prizes up to 2.5 lakhs. So what are you waiting for? To register yourself, please visit www.composite.in or you can even visit our Facebook page, that is www.facebook.com/composite.iitkgp. Radio Partners, Radio Run, a flight of life. जिंदगी में प्यार का एहसास घोलती है आरजे धड़कन जिंदगी खूबसूरत शो लेकर, हर शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे और हर शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे तक। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आरजे धड़कन के साथ। वेलकम बैक है आपका जिंदगी खूबसूरत शो चल रहा है रेडियो उड़ान पर, और जहाँ पर खूबसूरत सी कहानियां मैं लेकर आती हूँ, और उस कहानी के साथ अगर आपके पास भी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर आप किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं या कोई भी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे फेसबुक पेज आरजे धड़कन के नाम से, जहाँ पर आप मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ भी शो की कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे रेडियो उड़ान की ऑफिशियल आईडी www.radioudaan.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए एक और कहानी धड़कन की जुबानी ऑन योर रेडियो उड़ान। एक हफ्ते के लिए काम वाली वाइफ छुट्टी पर थी। कामकाजी होने के कारण शाम का काम थका देता था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने सोचा कि काश उसे कोई जादू आता और मिनटों में वो घर और बर्तन चमका देती। घर पहुंचते ही रवि उसके पति दरवाजे पर ही मिल गया। वह चौंक गई। रवि ने उसे कॉफी दी। उसने पूछा, आज जल्दी कैसे? उस सिक्योरिटी गार्ड ने काम वाली बाई को भेजा था, वह हमारी बाई के वापस आने तक घर के सारे काम कर देगी। उसका फोन आया था, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। उसने चैन की सांस ली, पर शाम के वक्त मैं ऑफिस से कैसे आ पाऊंगी? उसकी चिंता दूर करते हुए रवि ने कहा, मुझे अभी काम ज्यादा नहीं है और फिर एक हफ्ते की तो बात है, मैं संभाल लूंगा। अब रोज ऑफिस से आने के बाद घर के काम पूरे मिलते। एक दिन मैं जल्दी घर पहुंची तो देखा घर खुला और किचन का दरवाजा बंद था। किचन में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? ये मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगी, पर तुरंत लौट कर आएगा इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे किए, हमने सोचा न
रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जाए। तारे जड़ू तेरी चूनर थनक से तुरंगी बुनू, तेरे काज में मैं काली रैना भरू, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलू, तेरे चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया जिंदगी में प्यार का एहसास घोलती है आरजे धड़कन जिंदगी खूबसूरत शो लेकर, हर शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे और हर शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे तक। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आरजे धड़कन के साथ। रेडियो उड़ान पर शूट रहा है जिंदगी खूबसूरत है आपकी रेडियो की मधुबाला धड़कन के साथ। तो और यहाँ पर किचन की बातें हो रही है। हस्बैंड भी इतना लॉयल और इतना प्यारा है जो अपनी वाइफ की इतनी मदद करता है। एक दिन जब वो जल्दी घर पहुंची तो देखा घर खुला और किचन का दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थी। उसने रवि को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। मन में शंकाएं सिर उठाने लगी, तरह तरह के विचार आने लगे। उसने तेजी से दरवाजा खोला तो सामने जो देखा उसे देखकर दंग रह गई। उसे सामने देखकर रवि भी चौंक गया। बाई ने कहा कि वे आज नहीं आएगी, पर मेरे पास कुछ खास काम नहीं था, सोचा मैं किचन के सारे काम निपटा दूं। रवि ने सफाई देते हुए कहा, कौन सी बाई, वो तो कभी आई ही नहीं। तुम्हें पता है तुम झूठ बोलते हुए और भी अच्छे लगते हो, पर शुक्रिया। मन ही मन अपने पति की परवाह पर नाश कर उठी। और मैं उस बाई का शुक्रगुजार हूँ जो तुम्हारे दिमाग में है, रवि ने मुस्कुराते हुए इसकी ओर देखकर कहा। बाद में इतना लॉयल और इतना प्यारा हस्बैंड ना सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। मैं एक बात बताऊँ, जो वुमेन्स होती है दिन भर इतना काम करती है तो हस्बैंड के पास अगर टाइम होता है और वो थोड़ी सी हेल्प अगर वाइफ की कर देते ना, उससे मिलने वाली खुशी को जब उनके फेस पर देखेगा वो आपको पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये थी एक और खूबसूरत सी कहानी जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। चलते मिलते ब्रेक के उस पार कुछ और बातों के साथ। वैसे मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं या नहीं करते, मुझे जरूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज आरजे धड़कन के नाम से है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमी पर आसमान।
आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, जमा दे जहाँ रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमीन है तेरा आसमां, तेरे पहलू में खुशियाँ खेले दुख तू झेले, तुझे ही जलता है फिर क्यों जमाना, ज्योत से ज्योत जला के आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के, तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी बोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया, सितारे तुझ में डूब गए, जग की भलाई में तुझ बिन सब कुछ सूना सूना, तुझ बिन कुछ न रहे जिंदा, घुटने टेक दे तेरे आगे नाकामी हो शर्मिंदा, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमी पर आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है, उड़ाने आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है, सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन को भी आती है, रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है, कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम एड्रेस फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfwdtalks.in दैट इज गुड फूड टॉक्स .in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह मजा आ गया, देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट है। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आर रेस धड़कन के साथ। हर शुक्रवार ढेर सारी कहानियां लेकर मैं आती हूँ जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। रेडियो उड़ान पर शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है, आपकी सिर्फ आपकी रेडियो की मधुबाला धड़कन के साथ। चलिए एक और कहानी धड़कन की जुबानी। नई नई शादी हुई थी, पति पत्नी एक दूसरे के व्यवहार को जानने की कोशिश कर रहे थे। पति के व्यवहार और आदतों को जानने के कारण नई बहू के लिए कुछ चीजें अच्छी लेकिन चौंकाने वाली भी थी। बहुत दिनों तक देखने के बाद नई नवेली आज आखिर उससे पूछी बैठी,
मम्मी जी जब कद्दू बनाती है तो इतनी नानुकुर करते हो, लेकिन मेरी बनाई हुई सब्जी खाए जा रहे हो, चक्कर क्या है? रोटी में थोड़ी और सब्जी लपेटते हुए उसने बिना चेहरा ऊपर किए जवाब दिया, मम्मी से मेरा रिश्ता पक्के फर्श की तरह है, जिस पर कितनी भी उछल कूद करो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, जबकि तुम्हारा और मेरा उस ताज़ा ताज़ा डली हुई छत के जैसा है, जहाँ एक एक कदम संभल संभल के रखना पड़ता है। एक बार जम जाओ तुम्हारा बनाया हुआ कद्दू भी नहीं खाऊंगा। बेला शरारत से उसके सिर पर मार के किचन में वापस घुसती हुई वह महसूस कर रही थी कि उसे बिल्कुल सही जीवन साथी का साथ मिला है। अपनी बात रखने के लिए उसे भी समझ जाने का इंतजार था। ये बहुत जरूरी है एक नए नवीले जोड़े के लिए, ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे न्यू रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि जब एक लड़की अपने घर से किसी के घर पर शादी करके आती है तो बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी ख्वाहिशें वो अपने हस्बैंड से रखती है, उसके घर वालों से रखती है, तो उनके हस्बैंड और घर वालों के साथ की बहुत जरूरत होती है। एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी गड्डी भी बिल्कुल इसी तरह चल रही होगी। तो चलिए इस खूबसूरत सी जोड़ी के नाम ये खूबसूरत सा गाना जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर स्टे ट्यून्ड। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तू। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तू। चलो जी आज साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लगना जरूरी लगना ये छांव जरूरी, मिलते हैं इश्क जमीन पर अब दो ही नाम जरूरी मैं और तू। अपना खुदा भी होगा अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे। चलो जी आज साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे
प्यारे हर पल हर दम हम दम तुमको जिया रे। आज साफ साफ कहता हूँ इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम के जान देता कहता हूँ इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है मुझे तुमसे प्यार है। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आर रेसर्गन के साथ। वुमेन्स डे स्पेशल, खूबसूरत सी कहानी, खूबसूरत सी बातें और खूबसूरत सी कविता मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। एक दिन समेटते हुए अपने खालीपन को मैंने ढूंढा था उस लड़की को जो भागती थी तितलियों के पीछे, संभालते हुए अपने दुपट्टे को फिर खो जाया करती थी किताबों के पीछे, गुनगुनाते हुए गालिब की कोई गजल अक्सर मिल जाती थी वो लाइब्रेरी में, कभी पाई जाती थी घर के बरामदे में बतियाते हुए प्रेमचंद और शेक्सपियर से, कभी बारिश में तलते पकोड़ों को छोड़कर खुले हाथों से छूती थी आसमान और जोर से सांस खींचते हुए समा लेना चाहती थी पहली बारिश। मैं महकती सोंधी मिट्टी की खुशबू उसकी चुप्पी को लोग क्यों नहीं पढ़ पाते थे, हाँ क्योंकि उसे जानते थे ध्रुव तारा चांद और सितारे। फिर एक दिन वो लड़की कहीं खो गई। सोचती हूँ क्या आप भी उसे प्यार है किताबों से, क्या आप भी लुभाते हैं उसे नाश्ते अच्छा, क्या आप भी गुनगुनाती है वो गजलें, कभी मिले तो पूछिएगा उससे और कहिएगा कि उसके झोले में रखे रंग और ब्रश अब सूख गए हैं और पीले पड़ गए हैं किताब के पन्ने, देवदास और पारो अक्सर उसे याद करते हैं, कहते हैं वो मेरी हमशक्ल थी। समय का चक्र और परिस्थितियाँ इतनी रफ्तार से बढ़ती हैं कि हमारी पहली ख्वाहिशें क्या थी, हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते थे वो अक्सर समय के साथ बदल जाती हैं या बदला दी जाती हैं। ये खूबसूरत सी कविता ही नहीं, ये खूबसूरत सी चंद लाइन ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है आज की जनरेशन में। तो इसे बदलने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, इसे खुद आपको बदलना पड़ेगा। रेडियो उड़ान पर बने रहिए जिंदगी खूबसूरत शो के साथ, स्टे ट्यून्ड। समझ के लड़ियो, बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो, बागड़ दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़ा कै पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है,
तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ मेरे इसकी आग है, यो इंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या 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 करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खंडे चश्मा का आपका प्यारा का जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आर रेस्टोरेंट के साथ। वाले खुशखबरी आपके लिए, अगर आप लाखों के प्राइस जीतना चाहते हैं या फिर आप न्यू इन्वेंशन का मजा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिलहाल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। IIT खड़गपुर एक फेस्ट करने जा रहा है जिसका नाम है कंपोजिट फेस्ट 2017, जहां पर ढेर सारे पेपर प्रेजेंटेशन होंगे, ढेर सारे इन्वेंशन होंगे, और इसके साथ आप लाखों के प्राइस भी यहाँ से जीत सकते हैं। फ्रॉम 10 to 12 मार्च आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ढेरों के प्राइजेस जीत सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.composite.in। तो मौका बहुत अच्छा है प्राइजेस जीतने का और ढेर सारी नई चीजें सीखने का, तो जल्दी आइए IIT खड़गपुर। स्टे ट्यून्ड। चेक इट आउट यो। रातें पूरी भर जाने दे, जी में जो आए वैसा मुझको कर जाने दे। मन का है कोना कोना ही, होना ही था ये होना ही, मैंने तो आधा कोना जीता नहीं। मन का है कोना कोना ही, झूठा है बोले जो ना ही, जीना क्या आधा कोना मेरा है पूरा ही समा, मेरे जमीन और आसमां। And my world goes, my world goes, my world goes king. कोने कोने को बोला न जो बोलूंगी वो, हाँ मैंने होना जो हाले हाले हो लूंगी वो। मन का है कोना कोना ही, झूठा है बोले जो ना, जीना क्या आधा कोना मेरा है
किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खलता चश्मा का आपका प्यारा का जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है आर रेस दर्गन के साथ। उफो, मुझे पता है मेरे जाने का टाइम हो गया है, पर इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा कलर वलर खेलने तो बनता ही है। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान के सबसे मोस्ट फेवरेट और मोस्ट कलरफुल होली की बात कर रही हूँ, जो कि दो दिन के बाद आने वाली है। इनफैक्ट दो दिन की बात है, बट उसकी तैयारियां ना बहुत दिन पहले से ही की जाती है, और अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ पर लोग तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह कलर इकट्ठे किए जाते हैं, पेंट वेंट लगाया जाता है और गुजिया बनाई जाती है, ये सारी चीजें इस त्योहार को और भी खूबसूरत बनाती है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पेंट लगाए जाते हैं और फालतू में इतना पानी बर्बाद किया जाता है, उस पर थोड़ी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि फालतू इतना पानी वेस्ट किया जाता है। इतनी केमिकल वाली चीजें जब आपके फेस पर लगा दी जाती है, उसको धोने में इतना टाइम लगता है, और इससे आपकी स्किन भी खराब होती है। विदाउट पानी वाली और गुलाल वाली होली खेलिए, क्योंकि वो होती है सेफ, और आपकी होली भी बन जाती है। ये एक खूबसूरत सा फेस्टिवल जो कि हर साल हम लोगों की जिंदगी में ढेर सारे कलर लेकर आता है। तो आप सभी को रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से विश वेरी हैप्पी वाला होली एंड सेफ होली। अच्छे से खेलिए और जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाते रहिए। चलिए मैं यहाँ से जाती हूँ, अगले शुक्रवार फिर से आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल यहीं पर जिंदगी खूबसूरत के प्लेटफॉर्म पर। हैप्पी होली, गुड बाय। Tired of studying? Good news for you! IIT Kharagpur is back again with its biggest departmental fest, Composite 2017, from 10th March to 12th March. With a variety of events, detective case studies, poster and paper presentation, data analytics, nerve-breaking quizzes and much more. You can even win prizes up to 2.5 lakhs. So what are you waiting for? To register yourself, please visit www.composite.in, or you can even visit our Facebook page, that is www.facebook.com/composite.iitkgp. Radio Partners, Radio Run, a flight of life. Oh,
हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना, कभी फिल्म तो कभी यूं ही सिटी के सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन ना करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं, गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। हे भगवान, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग तो खराब होता ही है, साथ में नजरें भी। काश कोई होता जो इन्हें पढ़ समझा पाता। अरे रोहन, अब इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो उड़ान पर आज निशा लेकर आ रही है प्रोग्राम बुक वर्ड्स। रेडियो उड़ान बुक वर्ड्स। जी हाँ, मैं हूँ आज निशा और लेकर आई हूँ प्रोग्राम बुक वर्ड, जहाँ पर ना सिर्फ होंगी आपकी फेवरेट बुक्स, बट आई विल ऑल्सो लेट यू एम्पेथाइज इन टू द सोल्स ऑफ योर फेवरेट ऑथर्स। सो बी विद मी एवरी वेंसडे 8 to 9 PM एंड रीवेबकास्ट एवरी थर्सडे 3 to 4 PM Only on Radio Run, a flight of life. This Love. Is one song that I wrote. Breakup. She called me bhaiya. Romance. Ab tere hawale karun. Affair. Karne lage hame sharmi. Expose. Koi duniya karegi padhaiyan puriyan te munda ait ki vi bhiye vichon fail ho gaya te munda ait ki vi bhiye vichon fail ho gaya. Latest songs. Kali kali ain ka pa kale kale shool ke gaddi kali kali teri gadi wadi da. Movies. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. Swapnil ke saath every Saturday sham 7 se 8 only on Radio Udaan. A flight of life. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान।